बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी हम लोग मस्जिद कूफा में हैं और ये आप देख रहे के जरिए सामने मौजूद है जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम को ज़रूरत लगी और अंदर फुस्त वगैरह बिल काबा लिखा हुआ अंदर देखे आप। इंशाल्लाह जरिए की ज़्यादा कर लीजिए, इंशाल्लाह मस्जिद कूफा की ज़्यादा इंशाल्लाह साफ़। मकाम है जहाँ पर सहर के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम यहाँ पर आकर मुनाजात पढ़ते थे। मुनाजात इमाम मुनाजात है और आप लोग आपकी किताबों के अंदर भी जैसे तर्जुमा भी मौजूद है, डिवाइन पर्स के अंदर भी ये मुनाजात मौजूद है और दूसरी किताबों के अंदर, लेकिन बहुत ही दर्दनाक मुनाजात। पहले तो इमाम अली शुरू कर रहे हैं, खुदा बंद आलम की तारीफ से शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद इमाम अली फरमाते हैं कि उस दिन के लिए, कयामत के दिन के लिए, जब न बाप बेटे को पहचानेगा, न माँ बेटे को पहचानेगी, न भाई भाई को पहचानेगा, न बहन बहन किसी को, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। उस शो के लिए फरियाद करें इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद खुदा के तरफ मुतवज्जह होकर इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तू खालिक है, मैं मखलूक हूँ, तूने मुझे पैदा किया, तू मेरा खालिक है, मैं तेरा मखलूक हूँ, और तूने मुझे पैदा किया है। क्या मखलूक के ऊपर खालिक के अलावा और कोई रहम कर सकता है? तो राजी के मैं मर्जो को तू देने वाला है, रिश्ता देने वाला, मैं लेने वाला हूँ, मैं रिश्ता लेने वाला हूँ। तो क्या जो मर्जो के ऊपर राजी के अलावा और कोई रहम कर सकता है? तू माफ़ करने वाला, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तू माफ़ करने वाला है। तो गुनहगार के ऊपर माफ़ करने के अलावा और कोई रहम कर सकता है? ये पूरे ने मुनाजात देखे आप कि खुदावंद आलम से किस तरह से इमाम अली सलातुस्सलाम बातें कर रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह आप कभी तर्जुमा पढ़ेंगे इस मुनाजात का तो आपको दिल नहीं चाहेगा कि मुनाजात को छोड़ दूँ, और हमेशा आप इंशाल्लाह मुनाजात को कंटिन्यू हमेशा पढ़ते रहेंगे। ऐसे ये मुनाजात मुझे इंशाल्लाह अभी हमारे भाई मुनाजात पढ़े, इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ में उसका साथ देंगे। मौला या मौला हमें पढ़ना है, उसके अलावा ये पूरी इंशाल्लाह मुनाजात आपके सामने इंशाल्लाह तिलावत करें इंशाल्लाह। محمد وال محمد صلوات صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك الامان الامان يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واسالك الامان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم الأمان يوم لا يدري والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا أمر مولاي يا رب مولاي يا أمر مولاي يا رب أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت علي علي هاي علي 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 هاي علي زهرة علي 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 هاي علي قاضي حاجات علي 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 يا علي دافع محشر علي 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 يا علي
المؤمنين السلام عليك يا مولاي يا باب النجاة السلام عليك يا مولاي يا حلال المشكلات السلام عليك يا مولاي يا قاضي الحاجات لا بداء الا عليك لا سيف الا بالبغار انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعي الى الله اشفع لنا عند الله يا وجيعنا